बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अकाउंटिंग का जो दूसरा नाम है वो बुककीपिंग है, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले बुककीपिंग से मुतल्लक बताने से पहले मैं आपको लिटिल बिट आज आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डाटा एंड कम्युनिकेटेड द रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पर्संस। जैसा कि मैंने बताया कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम अपने फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और फिर अपने डाटा को एनालिसिस और इंटरप्रेट करते हैं और फिर जो नतीजा निकलता है वो दिलचस्पी रखने वाले लोगों को फराहम कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अकाउंटिंग। अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग क्या है। तो बेटा आपको बताना चाहूँगा कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर मैनर। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर मैनर, कि एक प्रॉपर मैनर से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो अमल है वो क्या कहलाता है जी, बुक कीपिंग कहलाता है। अब यहाँ पे प्रॉपर मैनर का मैंने जिक्र किया, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल वे। इन अ क्रोनोलॉजिकल वे मीन्स इन अ अकॉर्डिंग टू द डेट और अकॉर्डिंग टू द सीरियल वाइज, के मीन्स अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें आप लोग तरतीब से या सीरियल, तो उसे क्या कहते हैं आप लोग, बुक कीपिंग कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया और उसको मैंने कहा जी ट्रांजैक्शन। अब व्हाट इट मीन्स कि ट्रांजैक्शन क्या है, एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्संस विच वी कैन मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। मीन्स कोई भी डीलिंग जो आप दो या दो से ज़्यादा लोग करते हैं और उसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन। मीन्स फाइनेंशियल डाटा, जैसा कि आपको लास्ट में भी बताया था कि ट्रांजैक्शन है क्यों बनती है, अगर वो फाइनेंशियल डाटा है, अगर वो फाइनेंशियल डाटा ही नहीं है तो ट्रांजैक्शन भी नहीं है। मीन ऐसा डाटा जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डाटा। अच्छा, अब अगर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को जो लेन देन हुआ है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जिसको आपने ज़र में मेजर कर लिया है, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांजैक्शन। जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो प्रॉपर वे से, तो उसे क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, जैसा कि आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन जब पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसीजर ऑफ फोर थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ द रिकॉर्डिंग, सेकेंड वन इज़ द क्लासीफाइंग, थर्ड वन इज़ द समराइजिंग, फोर्थ वन इज़ द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फोर थिंग, तो अकाउंटिंग में से सिर्फ ये जो रिकॉर्डिंग पार्ट है वो क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। द रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ एन अकाउंटिंग इज कॉल्ड बुक कीपिंग। द रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ एन अकाउंटिंग इज कॉल्ड बुक कीपिंग। मेरे ख्याल में समझ लगी होगी कि व्हाट इज़ बुक कीपिंग। अब जब रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग को हम लोग क्या कहते हैं जी,
रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग मीन जर्नलाइजिंग, रिकॉर्डिंग मीन जर्नलाइजिंग। ओके बेटा, समय लगी बात की इतनी सबको, मेरे ख्याल में समय लगी होगी। अब हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन का डिफरेंस आ जाता है। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज, बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज, जबकि अकाउंटिंग इज द फाइनल स्टेज। बुक कीपिंग क्या होती है? फर्स्ट स्टेज होती है, जबकि अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनल स्टेज होती है। अब जब बुक कीपर का काम ख़त्म होता है तो तब किसका काम स्टार्ट होता है? अकाउंटेंट का काम स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग क्या होती है बेटा? ख़त्म होती है। तो इसीलिए यहाँ पे यही कहा मैंने कि बुक कीपिंग जो है वो फॉलो करती है किसको? अकाउंटिंग को। बुक कीपिंग किसको फॉलो करती है? अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग से पहले क्या होता है? बुक कीपिंग। जैसे ही बुक कीपिंग ख़त्म होती है तो फिर क्या स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट होती है। समझ लगी जी आपको? अब जबकि देखें, आपको पहले ही बात बताया कि बुक कीपिंग इज़ द रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ एन अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का सिर्फ रिकॉर्डिंग का पार्ट है, एक पार्ट है। अब ऐसे ही अकाउंटिंग क्या है? बुक कीपिंग से ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ज़्यादा वसी है। बुक कीपिंग में सिर्फ एक पार्ट है, जबकि रिकॉर्डिंग जो है, अकाउंटिंग जो है, उसमें तमाम पार्ट्स आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग भी, क्लासिफिकेशन भी, समराइजिंग भी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी जो है वो भी शामिल हो जाता है। इसीलिए अकाउंटिंग जो है वास्ट टर्म है, जबकि बुक कीपिंग जो है वो नैरो टर्म है। ओके जी, समझ लगी जी आप लोगों को इस इतनी बात की? नेक्स्ट है जी, अब बुक कीपिंग का जो काम होता है वो क्लैरिकल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? क्लैरिकल। जबकि देखें, जो होता है आपके पास अकाउंटिंग का काम, अकाउंटिंग का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है जी? देखें, क्लैरिकल काम होता है सिर्फ दर्ज करना, रिकॉर्ड करना और कोई डिसीजन ना करना। ये क्या है? क्लैरिकल नेचर वर्क। ये क्या होता है जी? क्लैरिकल नेचर वर्क। जबकि जो अकाउंटेंट, अकाउंटिंग होता है, जिसने अकाउंटिंग करनी है उसने डिसीजंस भी करने हैं, अब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी करनी है उसने। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के एंड पे की जाती है, जबकि जो बुक कीपिंग होती है वो क्लैरिकल पार्ट होता है अकाउंटिंग का जो है। अब बुक कीपिंग हमें लगता तो है कि जी लेस इम्पॉर्टेंट है अकाउंटिंग से, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ बनानी है, कपड़ा बनाना है, तो आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। जूते बनाने हैं, रॉ मटेरियल। अगर आपने कोई भी फिनिश गुड्स बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। जब तक बुक कीपिंग क्या है, इसमें आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। अब अगर आपके पास रिकॉर्डेड डाटा ही नहीं होगा तो आप अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो इसीलिए बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग के लिए रॉ मटेरियल की हैसियत लगती है। अब अकाउंटिंग आप बुक कीपिंग के बगैर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अकाउंटिंग का जो पहला पार्ट है वो है ही क्या? रिकॉर्डिंग। इसीलिए जो है अकाउंटेंट, जितनी अकाउंटिंग ज़रूरी है तो उतनी ही क्या है? बुक कीपिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि बुक कीपिंग के बगैर आप क्या नहीं स्टार्ट कर सकते? अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आज जो अभी हमने सीखा वो ये सीखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, के बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने आज जो है वो सीखा। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़। लेकिन आपको दुआ देने से पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको फ्री में BSc, MSc, इसके अलावा FSc, ICOM, ICS किसी भी सब्जेक्ट के जो हैं लेक्चर चाहिए, तो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।